हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सुनामी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर सुनामीज? बेसिकली सुनामीज आर वेरी लॉन्ग एंड हाई ओशनिक वेव्स कॉज्ड बाय एनी अर्थक्वेक और एनी अदर डिस्टरबेंस। बहुत ही लंबी और ऊंची जो ओशनिक वेव्स होती हैं, समुद्री धाराएं होती हैं, जो कि किसी वॉल्केनो या किसी अर्थक्वेक, बेसिकली किसी अर्थक्वेक या कोई अदर डिस्टरबेंस के द्वारा क्रिएट होती हैं। अदर डिस्टरबेंस में क्या हो सकता है? इट कैन बी एनी वॉल्केनो और इट कैन बी एनी ग्लेशियल कालविंग, या कहीं से भी मिट्योराइट आकर के पानी के अंदर गिरता है, या कोई भी ऐसा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ एनी मेजर डिस्टर्बेंस, इफ द ओशनिक वाटर राइजेस वेरी हाई एंड आफ्टर दैट इट मूव्स टूवर्ड्स द कोस्ट विद हाई वेलोसिटी, दैट इज नोन एज सुनामी। बेसिक रीजन ऑफ द ओरिजिन ऑफ सुनामीज इज इंट्रा मैरीटाइम अर्थक्वेक। इंट्रा मैरीटाइम अर्थक्वेक्स कॉज सुनामीज फ्रीक्वेंटली इनसाइड द ओशंस। जितनी अर्थक्वेक की कैपेसिटी इंटेंसिटी होगी, जितना मैग्नीट्यूड होगा, उसी के हिसाब से वाटर राइज होकर के उसी वेलोसिटी से कोस्टल रीजन की तरफ मूव करेगा। ओके, जैसे लास्ट सुनामी जब आई थी तो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था, वाटर बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ मूव किया था कोस्टल रीजन की तरफ, एंड सुनामी, लास्ट सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इमेंसली, बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। तो यहाँ पर सुनामी के आने का मेन कारण होता है एक अर्थक्वेक। व्हेन अर्थक्वेक्स आर ऑब्जर्व्ड इनसाइड द ओशन, ऑल द एनर्जी ऑफ दीज अर्थक्वेक्स ऑफ द सीस्मिक वेव्स इज ट्रांसफर टू द ओशनिक वाटर। अब इसकी सारी एनर्जी ओशनिक वाटर में ट्रांसफर हो गई, सो बिकॉज ऑफ दैट वेरी हाई सी वेव्स आर ऑब्जर्व्ड। बहुत ही पानी क्या होगा, ये बहुत ही ऊंचाई की तरफ उठेगा, ऐसे ऊपर उठेगा बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ दीज अर्थक्वेक्स, एंड आफ्टर राइजिंग इट फॉर्म्स क्रेस्ट एंड ट्रफ। ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म करता हुआ इट मूव्स टूवर्ड्स द कोस्टल रीजन, एंड द हाइट ऑफ दीज क्रेस्ट, जो ये क्रेस्ट ऊपर बनता है, इसकी हाइट इंक्रीज होती जाती है टूवर्ड्स द कोस्टल एरिया, बिकॉज डेप्थ ऑफ द ओशन ऑल्सो डिक्रीजेस टूवर्ड्स द कोस्टल एरिया। बीच समुद्र में इसकी जो डेप्थ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो जनरली क्या होता है, यहां इसकी जो ऊंचाई होती है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0.5 to 1 meter, इसके आसपास इसकी ऊंचाई होती है। बट एज दीज मूव टूवर्ड्स द कोस्टल रीजन, हाइट ऑफ दीज वेव्स इंक्रीजेस, इनकी हाइट और इंक्रीज होती जाती है। और जब ये कोस्टल रीजन के नजदीक पहुंचते हैं, हियर इन द कोस्टल रीजन, तो सबसे पहले जो होता है ये ट्रफ पार्ट जो इसका होता है, ये वाला पार्ट जाकर के हिट करता है। उसके बाद जो क्रेस्ट आता है वो बहुत तेजी से अंदर की तरफ एंट्री करता है, एंड दैट कॉजेज ह्यूज डैमेज, बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है लाइफ और प्रॉपर्टी को। सो दीज सुनामी वेव्स आर वेरी डेंजरस वेव्स। द बेसिक रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ सुनामी इज इंट्रा मैरीटाइम अर्थक्वेक, बट देयर कैन बी अदर रीजंस ऑल्सो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। लास्ट सुनामी लेड टू डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो इसलिए सुनामी से बचने के लिए अभी बहुत सारी जगहों पर सुनामी वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, वो मैं आपको बताता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।